बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन बैच का सप्रमाण पूरा का पूरा ब्यौरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि आज तक जितने छात्र हमारे साथ जुड़े हैं उनको किस तरीके से हमने क्लासेस कराई हैं, किस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। देखिए, पहली बात तो ये हमारा एक नैतिक दायित्व तो भी है कि हम चीज़ों की पारदर्शिता रखें। सभी संस्थानों को ये कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने सबसे पहले ऑनलाइन बैच का पूरा विवरण प्रस्तुत करूँगा और आप सभी को IAS और स्टेट पीसेस क्रमशः आज तक जितने बैच चलाए गए हैं मैं सबका विवरण प्रस्तुत करूँगा। एक एक बैच आपको दिखाऊँगा, कितना कोर्स कंप्लीट कराया गया, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया गया, किस किस विषय में कितनी क्लासेस की गई, कौन सी क्लास को अपडेट किया गया, हर एक चीज़ को मैं बहुत डिटेल से आप लोग को पढ़ाऊँगा। ये आप सभी के लिए मैं पूरी जानकारी यहाँ पर देने जा रहा हूँ। इसके बाद जो है मेरी क्या रणनीति है, कैसे बच्चों को लेकर के अब चलना है, किस तरीके से चीज़ें प्रारंभ करना है। मैं एक बात आपको बताऊँ, जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया था और मैंने निर्णय लिया था कि मैं कुछ समय तक आप लोगों के साथ रह के आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा था कि थोड़ा सा काम हम खुद इतनी मेहनत करूँगा ताकि आप लोगों को मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। लेकिन मुद्दा बस इसी बात का है कि जब तक, देखिए, मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, हमेशा कंटेंट पे भी काम करता हूँ। आप लोग यूट्यूब पे जो देखते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत मैं ऑनलाइन बैचेज में करती है पूरी की पूरी संस्था। तो ऑनलाइन बैच में क्या क्या चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ाई गई, संस्थान के द्वारा पढ़ाई गई, एक बार सारी चीज़ें जान लीजिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि संस्था कर क्या रही है, कितना कुछ हो रहा है। रही बात रिजल्ट की, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, डिसअपॉइंटेड मैं इस बात से हूँ कि मुद्दा इस चीज़ का है कि यदि मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो 100 बच्चों में से कमी कहाँ पे रह जा रही है। यदि 2, 4, 6 बच्चे ही उस पर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी को क्या दिक्कत है वहाँ पे, क्या क्या आप घर पे काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहता, ना मैं उंगली आपकी तरफ रखना चाहता हूँ, मैं पूरी पूरी उंगली अपने तरफ रखना चाहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति में बताइए ऑनलाइन में कैसे कर सकते हैं आप चाहे कैसे कितने भी कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद आगे आके मेहनत नहीं करेंगे, कंटेंट पूरा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे पूरा नहीं, तो फिर कैसे होगा। समय समय पर आप डिमोटिवेट होकर के अपने कंटेंट को पूरा नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पहली चीज है, मैं आप सभी को सामने आज पूरी पारदर्शिता रखता हूं। देखिए, जो पूरा सिलेबस मैंने डिजाइन किया था IAS और स्टेट पीसीएस का, संस्थान के द्वारा जितने बैच चलाए गए हैं, चाहे वो IAS का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो, स्टेट पीसीएस में खासकर मेरे साथ जो बच्चे जुड़े संस्थान के साथ, स्टेट पीएससी में UPPSC के बच्चे सबसे ज्यादा थे, इसके बाद BPSC के बच्चे भी जुड़े हैं, MPPSC के बच्चे भी जुड़े हैं, उत्तराखंड PSC के बच्चे भी जुड़े हैं, राजस्थान RAS एग्जाम से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी बच्चे जुड़े हुए, मतलब इतने PSC के बच्चे आमतौर पर संस्थान से जुड़ करके और खासकर IAS एग्जाम पे। अब देखो, इसके पूरे पाठ्यक्रम को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। मैं दोनों भागों का आप लोगों को पूरा विवरण देने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से पूरे एक एक विवरण को समझिएगा। और मैं ऑनलाइन बैच के बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसकी सत्यता को कमेंट पे जाकर के बताएं कि कितनी सत्यता है, कितनी मेहनत की गई है, क्या क्या कार्य किया गया है। यह पूरी जिम्मेदारी आप सभी की है, बिल्कुल प्रमाण के साथ प्रूफ होना चाहिए, चीज़ें ऐसी नहीं हवा हवाई में बात नहीं बनेगी। और जो छात्र निष्क्रिय हैं, कुछ भी है, मैं आज तक जो एक कमिटमेंट था कि जिन छात्रों को जो हमारे यहाँ साथ में जुड़ेंगे जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको लेकर के चलेंगे, ऐसा कमिटमेंट भी लेकर के चले, और लगातार अभी भी बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये कार्य नहीं करेगा। आप लोग इससे और भी ज़्यादा, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते वाली जो आपकी मेंटेलिटी है ना वो थोड़ा सा मुझे कम समझ में आई। और ऐसे में मुझे लगता है कि आगे चल के स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आगे चल के अब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको जोड़ा जाए। अभी भी लेकिन वो पॉलिसी में समाप्त नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरीके का रवैया है कि आप एक साल के कंटेंट को, एक साल के कोर्स को आप दो दो तीन तीन साल लगा रहे हैं, अभी भी यदि कुछ बच्चों से मैं बात करता हूं उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, ये रह गया, बहानेबाजी बड़ी संख्या में, फिर क्या हो पाएगा, क्या फ़ायदा है, रिजल्ट चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। मुझे लगता था कि इतनी मेहनत यदि हमने की है तो इस मेहनत को रिजल्ट में परिवर्तित करना बड़ा आसान होगा, बच्चे के लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, चीज़ों को सारगर्भित तरीके से डिटेल से एक एक चीज़ को पढ़ाया गया, लेकिन
कहीं ना कहीं पे आगे चल के कोई भी एग्जाम आता है, मान लीजिए 100 बच्चों में 2-4 निकलते हैं तो वो एक निराशाजनक ही है। मेरा मानना है कि आपकी मेहनत इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको, इसीलिए मैं सुपर 50 का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ कि भाई चलो कम से कम ऑनलाइन बैच में तो हम सब कुछ देंगे। भाई अब हर बच्चे के साथ काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग प्रायोरिटी है। कुछ ही की प्रायोरिटी कुछ है, कोई अभी 12th करके आया उसकी प्रायोरिटी अलग होंगी, 3 साल वो ग्रेजुएशन करेगा साथ में तैयारी करेगा, जो ग्रेजुएट है उसकी प्रायोरिटी अलग है। कोई है जो डेडिकेशन के साथ लगा, उसका सिर्फ सिर्फ लक्ष्य है कि भाई मैं 21 साल, कुछ हैं जो अभी 21 साल के ही नहीं हुए हैं। तो हर कैटेगरी के बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़ते हैं, ऐसी कोई प्रतिबंधता नहीं है। लेकिन अब जाकर के हमें डेडिकेशन के साथ काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कितना काम किया गया है, ये बिल्कुल जानना चाहिए आप लोगों को। और संस्थानों का कर्तव्य है कि आप लोगों तक पारदर्शिता रखनी भी चाहिए, ताकि आप लोगों को चीज़ों को स्पष्टता से पता चल जाए, ठीक है। और चीज़ों को समय के साथ जितना हो सकता है, देखो जो सब्जेक्ट अपडेट करने वाले होते हैं वो हम अपडेट भी करते हैं, मतलब एक बार पढ़ाने के बाद फिर से उसे पढ़ाना, ठीक है। ऐसा भी किया गया है कुछ सब्जेक्ट के साथ जिनकी ज़रूरत मैंने समझी है, ठीक है। चलिए मैं आपको आज पूरी बताता हूँ। इसमें जो पूरा कंटेंट था सब्जेक्ट का एनालिसिस करने के बाद दो भागों में पार्ट में बांटा गया था। पहला था प्री कम मेंस, एक बैच बनाया गया था, प्री कम मेंस का बैच बनाया गया था। मुझे लगता है आप संस्थान से भी जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि प्री कम मेंस का मतलब यहाँ पे ये था कि जो प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको हमने एक बैच में रखा था, और दूसरा हमने बनाया था मेंस ओनली का बैच, मेंस ओनली का बैच, जिसमें हमने ये प्लान किया था कि जो केवल और केवल मेंस के सब्जेक्ट हैं उनको हमने, तो मैं दोनों को दिखाऊंगा, प्री कम मेंस में हमने कितना कार्य किया, मेंस ओनली में कितना कार्य किया, दोनों की बात करूंगा। आप लोग आ जाते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, बाहर के बच्चे आकर कुछ भी कमेंट कर जाते हैं, तो जो मेहनती शिक्षक होता है, मुझे फ़र्क पड़ता है इस बात से, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। यदि आप इतनी सी बात भी कहेंगे तो मैं सुनने के लिए तैयार इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने काम किया, हमने मेहनत की है। तो ये दो पार्ट में कंटेंट को बांटा गया था। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे साथ अवेलेबल थे हमने उनको करवाया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट था। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा और आपकी क्या क्या चीजें थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा सी साइट का बैच था, हिंदी का बैच था, ठीक है, ये सारे आपको बताऊंगा। ऑप्शनल में हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो बैच हैं जो अभी भी जिंदा है। इसके पहले सोशल वर्क का भी बैच हुआ था, सोशल वर्क के बैच को मैंने भी कंप्लीट कराया था, और जेएनयू के एक शिक्षक थे अमन कुमार जी, उन्होंने पूरा पेपर 1 पेपर 2 उन्होंने भी कंप्लीट कराया, लेकिन सोशल वर्क तो समाप्त हो गया, अब वो ऑप्शनल के तौर पर UPPSC में नहीं है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर हैं, और इनको लेकर के भी मैं प्रमाण बाद में दूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ प्री कम मेंस और मेंस ओनली, इन दोनों बैचों का प्रमाण आप लोगों को देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि कितनी मेहनत की गई है, कितनी शिद्दत से मेहनत की गई है। और यदि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो एक ना एक दिन उसको फिर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। यदि आप कोई भी बात बोल जाएंगे आपको जानकारी नहीं कुछ नहीं, तो पहले जान लीजिए कि संस्थान मेहनत किस बियाप पे करता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। अब चलिए, आप चाहते क्या है संस्थान से, यही चाहते हैं ना कि संस्थान आपके साथ प्रॉपर मेहनत करे, और क्या चाहते हैं और क्या करना चाहिए। बाकी काम तो आपका है, ये तो हो नहीं सकता कि आपके ब्रेन को मैं ऐसा है कि अपना ब्रेन दे दूं, संस्थान का कोई पर्सन अपना ब्रेन दे दे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं आती, मैं इस चीज़ को स्वीकारता हूँ, कोई भी व्यक्ति समग्र नहीं होता। यदि आप उस पर कार्य करेंगे तो उस पर कार्य करके और आपको मेहनत करके पढ़ाना, हर तरीके से चीज़ें हुई हैं, हर तरीके से ये प्रयास किया गया है। तो देखिए मैं पहले प्री कम मेंस के बैच पे आपको ले चलता हूं और आपको बताता हूं किस सब्जेक्ट में क्या क्या कराया गया है। तो प्री कम मेंस में इस बैच में आपका सब्जेक्ट, आपके प्री और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको रखा गया। मैं इनकी क्लासेस बता रहा हूं, कितनी क्लासेस कराई गई हैं, क्लासेस का स्वरूप क्या रहा है। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास है, शुरुआत मैंने इसी सब्जेक्ट से किया था आपकी क्लासेस का, और ये क्लासेस में मैंने पिछले साल के क्वेश्चन प्लस साथ में, मेरा मानना है कि जब भी आप पढ़िए तो पिछले साल के क्वेश्चन जरूर देखिए, हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता रहता हूं। तो पिछले साल के क्वेश्चन, पहली चीज ये, पिछले साल के क्वेश्चन, और पिछले साल के क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल में भी स्टडी कराई गई है, हर सब्जेक्ट की डिटेल में भी स्टडी कराने का प्रयास किया गया है। तो इसको उस फॉर्मेट में मैंने पढ़ाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मेट समझ में नहीं आता, क्यों, वही तैयारी होती है, तैयारी करने का वही। भाई यदि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो पहले कम से कम जान तो लें कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फॉर्मेट को समझ ही नहीं पा रहे, पिछले साल के क्वेश्चन उन्हें देखना ही नहीं, उन्हें ये है कि डायरेक्टली बुक दे दीजिए हम पढ़ लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने समझाने का प्रयास किया,
सब कुछ किया, तो मैं अभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके अलावा गाइडेंस को लेकर के अलग था पूरा का पूरा सीन। गाइडेंस को लेकर मैं अभी आपको अभी वो भी बता दूंगा कि गाइडेंस प्रोग्राम पे हमने क्या क्या किया है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और सारी चीज़ें आपको आज पता चल जाएंगी कि संस्थान में कितनी मेहनत की गई है। कभी भी बोलने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, और जितने ऑनलाइन वाले हैं आकर इसको प्रमाणित करें। तो प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास में, इतिहास मैंने स्वयं पढ़ाया चूंकि तो बहुत समग्रता से पढ़ाया, एक एक बिंदु, कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, मैंने दक्षिण भारत तक के इतिहास को सब कुछ प्राचीन भारत में डिटेल से एक एक करवाया। इसके बाद और ये पूरा मेंस ओरिएंटेड था, यानी मेंस का भी क्वेश्चन, यहां तक यदि ऑप्शनल भी आप रखते हैं तो भी यदि आप इसे पढ़ लेंगे तो इनफ हो जाएगा काम, ठीक है। इसके अलावा बताया गया भाई ये बुक भी पढ़ लेना, सेल्फ स्टडी अलग है, सेल्फ स्टडी के लिए भी मैंने गाइड किया है, उसके लिए भी 25 से 26 एपिसोड पड़े हुए हैं। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, 171 क्लासेस हुई हैं, इसमें सिंगल टॉपिक भी नहीं बचा है, मध्यकालीन भारत के इतिहास को 171 क्लासेस में ये कंप्लीट कराया गया है, ठीक। प्रॉपर नोट्स बनवाते हुए, समझाते हुए, लिखवाते हुए, इतिहास में होता कि कई चीज़ें लिखवानी पड़ती हैं, बिना लिखवाए काम नहीं चलेगा, क्रमबद्धता के साथ, तो थोड़ा समझा दिया फिर लिखवा दिया, थोड़ा समझा दिया फिर लिखवा दिया, तो दोनों प्रोसेस के साथ ये हुआ है। आधुनिक भारत की क्लास 106 क्लासेज इसमें है, पूरा कंप्लीट आधुनिक भारत है इंडियन। अभी इसमें एक सेक्शन अपडेट भी कहती, मुझे लगता है भाई ये सेक्शन और अपडेट करना चाहिए, दो चार टॉपिक हैं जो कुछ छूट गए हैं या फिर और इसमें बेहतर हो सकता है। तो लास्ट की कुछ क्लासेज जो आपकी नेशनल मूवमेंट की क्लासेस थी, पहले 95 क्लासेस कराई थी, लेकिन अभी बढ़ा के 106 क्लासेस हो चुकी हैं ये, और इनको हो गया 6 महीने ज्यादा हो गया, इनको अपडेट किया गया है, तो ये भी पूरी की पूरी क्लासेस आधुनिक भारत भी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास में, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो 106 क्लासेस इसमें करवाई गई हैं। अब दूसरा आता है ज्योग्राफी का सेक्शन। देखो अभी प्री कम मेंस में, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट प्री मेंस के कॉमन है, अभी मेंस ओनली में जब जाएंगे तो वहां पे विश्व इतिहास, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस और आर्ट एंड कल्चर, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक इसके साथ सम्मिलित है, भारत के भूगोल में भी जहां पर मुझे लगा कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी बतानी चाहिए मैंने बताया है, विश्व भूगोल पे भी बताया, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी को अलग से हमने मेंस ओनली में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, भारत के भूगोल की विषय वस्तु को मैपिंग के साथ 87 क्लासेस विद मैप, साथ साथ 3D डायग्राम, 3D वीडियो, ये सारी चीजों के साथ, और 5 मैपिंग की क्लास, ये रिवीजन को लेकर के हैं, जो चीजें पढ़ाए उसको लास्ट में रिवीजन करवाने के उद्देश्य से हमने 87 क्लास प्लस साथ में रिवीजन। देखो इनका भी रिवीजन मैंने कराया है, 3 वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक है, कोई भी बच्चा जाकर के इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन वीडियो देख सकता है, लेकिन वो पब्लिक कर दी गई थी क्लासेस, तो 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट रिवीजन मैंने कहा क्रैक्स करा दें, साथ में मास्टर वीडियो अलग है, वो मास्टर वीडियो भी रिवीजन के ही है। आपको लगता है ना कि मैं मास्टर वीडियो जो बनाता हूं, मैं जब जाकर के 103 क्लासेस प्राचीन भारत के तब जाके उसका एक मास्टर वीडियो है, 171 क्लासेस मध्य भारत के तब उसका एक, वो बिल्कुल क्विकली कि भाई पूरे टॉपिक को आप तुरंत कर लीजिए। आधुनिक भारत में 3 से 4 एपिसोड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक मेहनत है ना, तो मास्टर वीडियो अलग है, इसमें क्विक रिवीजन भी मैंने करवाई थी। अब वो सब चीजें, अब मुझे बताइए इतिहास में क्या चीज आउटडेटेड हो जाएगी, 1947 तक का जो भारत की आजादी की पूरी घटनाक्रम है, यह तो आउटडेटेड हो नहीं जाएगा, यह तो आपका वही बना रहेगा ना। तो कहीं ना कहीं पर इसको हम उसी भी आप पे, ये पूरा टॉपिक है, इसमें जो लगता है भाई कुछ और ऐड कर दीजिए, कुछ और करा दीजिए तो करवा देते हैं, लेकिन अब मुद्दा उसी बात का है कि अब आप कितना करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। भारत के भूगोल में 87 क्लासेस प्लस 5 मैपिंग की क्लासेस आपकी ये हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा था विश्व भूगोल का टॉपिक, ये देखो पूरा मानचित्रण है इसमें, खासकर मानचित्रण है, लेकिन बाद में मैंने एक एक टॉपिक को नोट्स साथ में मानचित्र में दिखाते हुए समझाते हुए हर चीज करवाई है। विश्व भूगोल में 2 टॉपिक है, खगोलिकी का है, एस्ट्रोनॉमी का है, इसमें 6 क्लासेस हुई हैं आपकी, और दूसरा विश्व भूगोल का क्षेत्रीय भूगोल यानी मानचित्रण को लेकर एक एक कॉन्टिनेंट को देखते हुए 52 क्लासेज ये करवाई गई हैं, और 9 क्लासेज रिविजन को लेकर करवाई गई हैं शशि जी के द्वारा। 52 क्लासेज मैंने स्वयं कराया है 52 क्लासेज में, और एक एक पूरा देश राजधानी से लेकर करके एक एक कॉन्टिनेंट में कहां पे क्या अवस्थित है, साथ साथ स्टडी टुडे पब्लिकेशन का मानचित्र, सारी चीजों को लेकर के मैं एक एक आपको दिखाता गया हूं। प्रॉपर मेहनत इस पे की गई है और लिखवाया भी गया है, तो यहां पे 52 क्लासेस हैं और 9 क्लासेस अभी अपडेट की गई थी रिवीजन को लेकर, ये भी ऑनलाइन बैच में भेजी गई है, सब आप देख लीजिएगा, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जाके देख लीजिएगा, जो लोग सो गए हों, जो ना कर रहे हो, जो कर रहे हैं उन्हें पता है, जो नहीं कर रहे उनको, उनके लिए बता रहा हूं। भारतीय राजव्यवस्था में पहले मैंने बहुत पहले क्लास कराई थी, लेकिन अभी लेटेस्ट में क्लास बनी थी, तो पूरी क्लासेज रिप्लेस करके 62 क्लास में पूरी की पूरी भारतीय राजव्यवस्था, जिसमें 2 घंटे से ज्यादा की क्लास है, साथ साथ बेयर एक्ट भी करवाया है, 395 के 395 अनुच्छेद करवाए गए हैं,
कोई भी अनुच्छेद आपको मैं सारे अनुच्छेद साथ साथ पढ़ते हुए, अनुसूचियों को दिखाते हुए बेयर एक्ट में और साथ साथ समझाते हुए, साथ में सात बेयर एक्ट के वीडियो भी हैं यूट्यूब पे, पब्लिक भी हैं वो वीडियो, और साथ में ऑनलाइन बैच में भी भेजे गए हैं। इसमें से 395 आर्टिकल प्लस आपकी जो 12 शेड्यूल हैं, सारी शेड्यूल को लेकर के पूरा का पूरा जितना सेक्शन है पूरा कंप्लीट कराया गया है, पूरा आप जाइए देख लीजिए ऑनलाइन बैच में। तो अब इससे, अब इसके अलावा बुक्स भी सजेस्ट की गई कि भाई ये बुक भी पढ़ लीजिएगा, ये भी कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ को जितना हो सकता है मैक्सिमम संविधान संशोधन तक का टॉपिक लास्ट तक कराया गया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा हर एक विषय वस्तु को। भारतीय राजव्यवस्था मैंने स्वयं कराया है, ठीक। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 76 क्लासेस, देखिए सबसे पहले ही कराई गई थी रविंद सर के द्वारा क्लासेस, ठीक है। इसके बाद मैंने स्वयं 76 क्लासेस करवाई, अभी वर्तमान में पूरी क्लासेस अपडेट हुई हैं, 62 क्लासेस भेजी जा चुकी हैं और 80 क्लासेस हैं टोटल रविंद्र सर के द्वारा नए स्तर पर फिर से इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल इसमें करंट का डेटा बहुत ज़्यादा होता है, नए नए अपडेट्स आते हैं, नए नई बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ बदलती हैं, नए नए सीनेरियो क्रिएट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरा इकोनॉमी फिर से आपको, तो आप आसान भाषा में मेरे से भी पढ़ेंगे, रविंद्र सर के द्वारा पूरा टेक्निकली एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया, 62 क्लासेस भेजी गई हैं और इसके अलावा 80 क्लासेस में पूरी इकोनॉमी अब आपकी कंप्लीट होगी, ये आपके लिए सामने आने वाला है, ये पूरा आ गई, 62 भेज दी गई हर बैच में, देख लीजिएगा जितने बच्चों ने अभी तक नहीं किया हो, नहीं देखा हो, एक बार देख लीजिएगा। पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण में 28 क्लासेस रविंद्र सर के द्वारा कराई गई थी, पर्यावरण अभी रिसेंट में मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं लाइव ऑफलाइन बैच में, उसकी 30 क्लासेस लगभग अभी बन चुकी हैं, मुझे लगता है कि अभी इसमें 10 क्लासेस और आगे आएंगी, टोटल जो है 40 क्लासेस में कंप्लीट होगा, तो ये क्लासेस पूरी बन गई हैं, नेमिंग हो रही है, ये भी भेज दी जाएंगी, बन गई जिनमें से 4-5 क्लासेस अभी भेज भी दी गई हैं, तो 30 क्लासेस ये पूरी अपडेट करेंगे, जबकि ये पूरी ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है, 28 क्लास में एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया भी जा चुका है, लेकिन ये है कि एनवायरमेंट को मैं नए सिरे से स्वयं पढ़ा रहा हूं, तो चलिए ठीक है, और पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और डिटेल कर दीजिए, सब बच्चों के लिए जितने ऑनलाइन में जुड़े थे, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। चलिए आज आप प्रमाण देख ही रहे ना, तो देख लीजिए आप। इसके बाद मैं अभी करंट अफेयर्स पे बात पे आऊंगा, सेंसस का टॉपिक है, 34 क्लास में जनसंख्या एवं नगरीकरण है, प्लस मास्टर वीडियो है, देखो सबके साथ मास्टर वीडियो है, हर एक सब्जेक्ट के साथ मास्टर वीडियो है, अभी पर्यावरण का भी नहीं बना, आने वाला है। जीव विज्ञान, जनरल साइंस की टॉपिक भी आपकी आती है, इसको लेकर के भी मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा चाहूं, माफ करिएगा, तो आपका जिसमें जनरल साइंस में बायो का सेक्शन है, बायो के सेक्शन में 21 क्लासेस तो मैंने स्वयं कराई हैं, 18 क्लासेस अभी लेटेस्ट बनी थी संस्था में, शशिकांत जी ने बनाई थी, 18 क्लासेस ऑफलाइन में हुई थी, ये भी अपडेट कर देंगे, इसमें कंप्लीट पूरी बायोलॉजी है, पूरी कंप्लीट बायोलॉजी है, और 27 क्लास रविंद्र सर के द्वारा पढ़ाई गई थी, तो टोटल देख सकते हैं आप, आपका रिवीजन भी होगा प्रॉपर, 21 क्लास मैंने कराई, 18 क्लास में कंप्लीट कराया शशि सर ने, और 27 क्लास रविंद्र सर ने भी कराया, इन दोनों को मिला दीजिए तो कंप्लीट हो जाता है, ये आप पहले पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाता है, ये आप देखेंगे खुद बायोलॉजी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और साथ में आपको एक बुक भी सजेस्ट की गई थी कि बच्चों पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को रविंद्र सर ने पढ़ाया था, अभी इसकी क्लासेस जो है ऐश्वर्य अग्रवाल सर की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी अपडेट की जा रही है, केमिस्ट्री की रविंद्र सर ने पढ़ाई थी कितनी, 33 क्लासेस ऐश्वर्य अग्रवाल द्वारा पढ़ाई जा रही है, अभी 33 के आसपास, वही लगभग 30 के आसपास क्लासेस आएंगी, वो क्लासेस बन के रेडी हो रही है, वो भी आप तक भेजी जाएंगी, केमिस्ट्री की भी क्लासेस। इसके बाद भौतिक भूगोल की क्लास, जिसमें से 7 क्लासेस आपकी ये पढ़ाई थी शशि सर ने, पूरा इसमें कंप्लीट कराया उन्होंने, जो मेन मेन टॉपिक थे जो पूछे जा रहे हैं पिछले साल के क्वेश्चन में, और 60 लेक्चर आपके रविंद्र सर के पढ़े हुए हैं इसमें भौतिक भूगोल में, ठीक है, और इसको साथ में इसमें ऐश्वर्य सर की क्लासेस भी आएंगी अपडेटेड करते हुए, तो इस तरीके से अब आप टॉपिक देख लीजिएगा। अब देखिए करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं, देखो करंट अफेयर्स तो वैसे लगातार आप देखेंगे हमारे सभी चैनलों में चलता रहता है, चाहे आजाद एमपीपीएससी एकेडमी का चैनल देख लीजिएगा, 24 एपिसोड लगातार आ चुके हैं पूरे, आप इस साल का पूरा जनवरी से ट्रैक करेंगे तो पूरा 24 एपिसोड हर सप्ताह एक वीडियो आता है वहां पर, ठीक है, तो वो तो करवाया जा रहा है 2020 का है, इससे पहले 2018 में 56 वीडियो करवाए गए थे, बैच में पड़े होंगे बच्चों देख लीजिएगा, 2018 में जो बच्चे थे उनके लिए 56 वीडियो में करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कराया गया था, इसके अलावा जो है 2019 में भी आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया गया था, ठीक है, और बार बार हर चैनल पर वीडियो पब्लिक भी हुए करंट अफेयर्स के,
आप जाके देख सकते हैं, सभी चैनलों में हमारे पास प्रमाण है। इसके बाद जो है आपका अभी 2020 के लिए जो करंट अफेयर्स है इसको लेके एक व्यापक पूरा प्लान बनाया गया है, जिसमें एग्जाम इंडिया के इसी चैनल पे आप लोगों को लाइव क्लासेस कराई जाएंगी। तो इसको लेकर ये सब ऑनलाइन बैच के बच्चों के लिए ही है और आप सभी के लिए जितने भी हमारे साथ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, तो 2020 के लिए भी अब क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है, अक्टूबर में एग्जाम है, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स को लेकर कंप्लीट 1.5 साल का करवाएंगे, 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स हमारे द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे द्वारा मास्टर वीडियो भी दिए गए हैं, 6 एपिसोड आ चुके हैं मास्टर वीडियो का, हर बार एग्जाम से पहले मैं आपको मास्टर वीडियो भी देता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको प्री कम मेंस के जितने भी टॉपिक है, आप चाहते क्या है, प्राचीन भारत आपका कंप्लीट है, मध्यकाल भारत कंप्लीट है, आधुनिक भारत कंप्लीट है, भारत का भूगोल कंप्लीट है, विश्व का भूगोल कंप्लीट है, खगोल की विश्व भूगोल, जनसंख्या, भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट है, पर्यावरण कंप्लीट है, करंट अफेयर्स कंप्लीट है। अब देखिए यदि 100 बच्चे, मैं मानता हूं कि 100 बच्चों में सबके पास सेम स्थिति नहीं है, किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ और रहा है, किसी का कुछ और रहा है, प्रयास यही किया जाता है कि मिनिमम डाउट आए। लेकिन यदि डाउट भी आते हैं तो आप देखेंगे पिछले लगभग 2-3 महीने से एग्जाम इंडिया पे लाइव डाउट सेशन चल रहा है, लाइव डाउट सेशन। आज का अभी जाइए, आपने देखा होगा कुलिंदर सर का था, इसके पहले जो है गोविंद मालवीय सर का था, उससे पहले ऐश्वर्य सर का था, मंडे को रावेन सर का था, कल शशि सर का होगा, सैटरडे को मेरा होगा। इसके अलावा जो भी आता है, जितने भी ग्रुप बने व्हाट्सएप ग्रुप में बने, यदि वहां पर भी यदि कोई बात होती है, लगता है कि संस्थान के द्वारा पढ़ाए गए वीडियो और अदर प्रॉब्लम है, इसके अलावा लगातार फोन कॉल भी दीपक सर हैं, लगातार वो पूरे ऑनलाइन सपोर्ट में रहते हैं, ताकि यदि किसी तरीके की दिक्कत हो तो एक तरीके से एक मीडियम क्रिएट रहे, आप लोग लगातार जो भी बोलते हैं कुछ भी कहते हैं हम लोग सुनते भी हैं, कभी कभी आप कुछ भी बोल जाते हैं तो भी सुन लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए तो आप इसे करेंगे, साथ साथ बुक्स भी आपको बताई गई। हाँ, इसका पूरा प्रीकम मेंस का मैंने वीडियो टारगेट भी करवाया था, अभी 12-13 एपिसोड आए हैं जिसमें मैं बताता था कि बच्चों ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, आगे का खुद देखिए हर चीज को यदि आप सोचेंगे। साथ में सेल्फ स्टडी के लिए मैंने NCERT भी आपको बताया कि भाई ये बच्चों ये बुक पढ़ना है, इस सप्ताह ये बुक पढ़ना, जाइए आजाद पब्लिकेशन के, उसमें पूरा सेल्फ स्टडी की प्लेलिस्ट बनी होगी, पूरे वीडियो पढ़े होंगे, 25 एपिसोड पढ़े हैं जिसमें आपको पूरी NCERT और घटना चक्र, साथ साथ एडवांस बुक की पूरी लिस्ट, सब कुछ आपके बैच में। इसके अलावा गाइडेंस प्रोग्राम अभी लेटेस्ट आप देखेंगे रावेन सर के द्वारा, पूरे पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम, वर्कशॉप सेशन लगातार अपडेट किए जाने, जिसमें से हर चीज है, आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आपकी दिनचर्या कैसी होगी, कैसे आपको जो है रिवीजन करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको जो है आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग की बात बताता हूँ, मेंस आंसर राइटिंग का लगातार कार्यक्रम चला है, पहले रावीन सर चलाते थे, मैं मुहिम कार्यक्रम लगातार जनवरी फरवरी के महीने चला रहा हूं, तो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर गाइडेंस प्रॉपर दिया जा रहा है आप सभी को लेकर। जो भी लाइव में आता है यदि आप लोग की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करके जाते हैं। तो ये रही बात प्री कम मेंस की, अब मैं चलता हूं मेंस ओनली में, ठीक है। मैं एक एक चीज आपको आज दिखाऊंगा, बात प्रमाण पे चले तो ज्यादा अच्छा है। मेंस ओनली के जो टॉपिक है देख लें, ये टॉपिक है मेंस ओनली के, जो बच्चे मेंस ओनली के बैच में ज्वाइन होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। मेंस ओनली में आर्ट एंड कल्चर में 59 क्लासेस हैं, मैंने प्रयास किया है, साथ ही आपको एक बुक भी बताई थी कि बच्चों ये भी पढ़ लीजिएगा, समझाने का एक एक चीज, जितनी भी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई विषय वस्तु मैंने सारी यहां पर पढ़ाई है, सारी एक एक चीज देख लीजिएगा, जाके पता चल जाएगा आपको। इसके बाद विश्व इतिहास की विषय वस्तु में 66 लेक्चर हैं, जिसमें से मैंने पूरा कंप्लीट किया, एक बुक भी आप लोगों को बताई थी कि उसे पढ़ लीजिएगा। इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस 11 क्लासेस, ये मेंस ओनली के टॉपिक है जो केवल मेंस में आते हैं। आर्ट एंड कल्चर में 59 क्लासेस कराई गई हैं, विश्व इतिहास में 66 क्लासेस कराई गई हैं, स्वतंत्रता उपरांत की भारत में 11 क्लासेस हैं। इसके बाद भारतीय समाज में 32 क्लासेस कराई गई, इंडियन सोसाइटी पूरी कंप्लीट है 32 क्लासेस में भारतीय समाज। इसके बाद भौतिक भूगोल में 7 क्लासेस मैंने स्वयं कराई थी और 18 क्लासेस अभी लेटेस्ट पूरी अपडेट की गई हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में जो मेंस में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जलवायु और जितने भी टॉपिक हैं आपके, सभी टॉपिक को यहां पर शशि सर के द्वारा पूरा पढ़ाया गया फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद सोशल जस्टिस का टॉपिक है आपका, सामाजिक न्याय का टॉपिक है आपका, पेपर 2 पे आता है, 27 वीडियो पे ये कंप्लीट कराया गया है, पूरे वीडियो अपडेट हैं और पूरे आपके तक पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके 70 वीडियो हैं, पूरी तरीके से अपडेट हैं और पूरी आप लोगों को पहुंच चुके हैं एक एक विषय। नेक्स्ट आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक 68 वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का करंट अफेयर्स आपको समझाया गया कि आप समय के साथ इसे अपडेट करते जाइएगा। बाकी सारी चीज़ों को कंप्लीट कराने के बाद साइंस एंड टेक भी 68 क्लासेस हैं, जिसमें से एक एक टॉपिक को पढ़ाया गया हमारे द्वारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन, 7 क्लासेस ये मैंने अपडेट किया, पहले इससे पहले 15 क्लासेस में था लेकिन अभी इसको समअप करके 7 क्लासेस में, बड़ी बड़ी क्लासेस में पूरा ये पढ़ाया गया है, ठीक है।
इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी 31 क्लासेस, पूरी क्लासेस अपडेट की गई हैं और 31 क्लासेस ये हैं। बीच बीच में कभी कहीं कहीं पे आप देखेंगे एक दो वीडियो हैं, कहीं पर वॉइस का इशू है, फिर कभी कभी होता है कि पूरा वीडियो करप्ट हो जाता है, तो ऐसे में वीडियो को रिप्लेस भी किया गया। पुराने वीडियो जो हमारे पास है, भाई टॉपिक से पढ़ने से मतलब है ना, उसमें टॉपिक पढ़ा गया तो एक दो वीडियो भी कहीं पर डिस्टर्ब हुए हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई, बहुत मल्टीपल इशू आते हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पर रिप्लेसमेंट भी है उनका, ठीक है। इसके अलावा आपका इथिक्स में 74 क्लासेस हैं, 74 क्लासेस है, और इसको लेके मैंने भी कहा था कि मैं इसको पूरी खुद भी पढ़ाऊंगा, रविन सर के द्वारा पूरी पढ़ाई गई है, मैं भी इथिक्स आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी जैसे भी होता है बताऊंगा। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन रेगुलर है, सभी चैनल पे देखेंगे एमपीपीएससी में है, आजाद आईएएस एकेडमी के द्वारा मुहिम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे पहले मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर कितने कार्यक्रम हुए रविन सर के द्वारा, आप उनके चैनल पे आजाद यूपीएससी एकेडमी में जाएंगे, वहां पर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हो रहा है हर जगह आपका, और बकायदा ग्रुपों में हो रहा है, ग्रुपों में बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप नहीं करेंगे तो हम क्या कैसे, अब इसको लिए मैं घर आ जाऊं आपके, मुझे बताइए, आप लोग सुझाव दीजिए करूं किया कैसे जाए, ठीक है। और किस तरीके, जब आप करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चीजों को करेंगे, साथ साथ इन सब की बुक्स भी बताई गई आपको कि साथ साथ बच्चों ऑनलाइन बैच के साथ साथ आपको बुक्स भी पढ़नी है, सेल्फ स्टडी मस्ट है, बिना इसके साथ काम नहीं हो पाएगा, ताकि समग्रता आ सके, आप एक भाषा सीख सके, किताब में चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से और दी होती हैं, ऑनलाइन बैच में काम क्या है, चीजों को आसान बनाने का ही तो प्रयास हम करेंगे, और क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे यहां पे मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन आपका रेगुलर है। शासन गवर्नेंस की विषय वस्तु, ये शासन, ये जीएस पेपर 2 पे आपका आता है गवर्नेंस, तो ये 9 क्लासेस में कंप्लीट कराया गया। इसके बाद निबंध की विषय वस्तु 11 क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। तो ऑनलाइन बैच में ये आपका मेंस ओनली का है, मेंस ओनली का, देखो प्री कम मेंस मैंने दिखा दिया, मेंस ओनली के सब्जेक्ट और उसकी क्लासेस, जो बच्चे ऑनलाइन बैच के हैं आप बता दें ये क्लासेस नहीं है क्या, बता दीजिए नहीं है क्या, एक एक क्लास है, मेरे पास पूरा प्रमाण है, बैच है, पूरे वीडियो है, सब कुछ है, ठीक है। आजाद आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन में जितने बच्चे कर रहे थे, अब इसको एग्जाम इंडिया में भी शिफ्ट कर दिया गया है, जितने बच्चे थे अब नए बच्चे सब एग्जाम इंडिया में भी यही क्लासेस कर रहे हैं, सबके सेपरेट सेपरेट बैच है, आईएएस के अलग है, यूपीपीएससी का अलग है, बीपीएससी का अलग है, इसके बाद एमपीपीएससी का अलग है। हमने प्रतिबद्धता जाहिर की, हम अपडेट करेंगे चीजों को, चीजें कर भी रहे हैं, लेकिन मुद्दा बस वही है, इस चीज में थोड़ा सा दुख होता है, कई बार दुख होता है, आप लोग आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, किसी की मेहनत की कोई कद्र नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे में दुख होगा। आप भी यदि इतनी मेहनत करके बैठेंगे और कोई दो बात कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हमने मेहनत की है। ऐसे ही सी सेट का भी मैं आपको आगे, अभी अगले कल या परसों तक आपको सी सेट का भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अगले वीडियो में, और साथ आपको ऑप्शनल का भी दिखाऊंगा कि ऑप्शनल में हमने क्या कराया, हिंदी में क्या कराया, और इन बच्चों की हम गारंटी लेते हैं भैया जब तक नहीं होगा रहेंगे आपके साथ, लेकिन अब सोचने मजबूर हो रहे हैं कि अब क्या किया जाए इनके साथ, कितना मोटिवेट किया, मतलब समय समय पर आप लोगों को मोटिवेशन सेशन भी लाता हूँ, आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो भी लेके आता हूँ, रिविजन को लेकर के भी आपको काम चलता है लगातार, रिविजन को लेकर की रिवीजन सीरीज चली थी, इससे पहले मैंने पॉलिटी की रिवीजन सीरीज, इसके पहले आपका ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज, सारी चीजें तो हैं, अब कैसे करें, किस तरीके से, आप क्या चाहते हैं, कैसे आपको मैं क्या करूं, इसीलिए ऑनलाइन बैच में हम सब कुछ करवाएंगे, लेकिन जो बच्चा सिंसियर होगा उसे सुपर 50 में लेके आएंगे। अब ये पूरी प्लानिंग बनी है उनके साथ, लगातार लग के डांट के फटकार के चिल्ला के, बाकी ऑनलाइन बैच में, क्योंकि भाई जब आपकी आदत यही है कि आपको लगातार कुछ रेगुलर करना ही नहीं है, तो फिर भाई मत करिए, है ना। तो ये रहा आपके सामने प्रमाण, देख लीजिए और बताइए, ईमानदारी से बताइए कि जितना पढ़ाया हर सब्जेक्ट कंटेंट में खूब अच्छे से समझा के, हर बार ऑफलाइन में बच्चे बैठते थे, मैं खूब पूछता था, बच्चों आपको कोई डाउट हो बताओ, डाउट हो बताओ, डाउट हो बताओ, क्योंकि पता है ना, तो अपने तरफ से जब ईमानदारी आप बरतते हो और फिर ऐसे करके कुछ चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम इंडिया का एप्लीकेशन है, देखो आज मैं आपको बता दूं, जितने लोग डाउट को लेकर निश्चिंत हैं, परेशान है, अब निश्चिंत हो जाए, आपको एग्जाम इंडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, व्हाट्सएप वगैरह सब अनऑफिशियल है, अब वहां पर आप देखेंगे चैट का सेक्शन मैंने प्रॉपर बना दिया है, आप वहां से डायरेक्टली चैट करिए, आपको जवाब मिलेगा, डायरेक्टली चैट करिए। अब जितने भी आजाद है इस एकेडमी की वेबसाइट और एप्लीकेशन से भी जो क्लास करें, क्लास वहीं से करिए, लेकिन अब आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट करना है, तो पहली बात लाइव चल रहा है, कहाँ लाइव चल रहा है, एग्जाम इंडिया पे एक लाइव सेशन, हम डेली कोई ना कोई टीचर आ रहा है, ठीक है, सैटरडे मैं मिलता हूँ आपको, किसी कारणवश किसी दिन नहीं आ पाया तो उसके लिए आपको इतना कम से कम रखना है, अपने क्वेश्चन लिख के रखिए, मैंने आपको बताया था। और एक एक चीज़ और बता दूं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऑफलाइन संस्थान में जब आप आते हैं, ऑफलाइन में बैठ के घंटों
याद होगा, तीन तीन घंटे बैठकर आप लोगों के साथ काम किया हूं, तीन तीन घंटे लगातार, जिसने जो पूछा है बताया है, लगातार छः छः घंटे के वर्कशॉप सेशन लिए मैंने, और हमेशा वर्कशॉप सेशन आप लोग को अपडेट किए गए हैं और आप लोगों तक पहुंचाए गए हैं, कभी मैंने ये भेदभाव नहीं किया। तो जिस बच्चे के डाउट का इशू है, यदि आपका किसी तरह का डाउट का इशू है, आप एग्जाम इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा, चैट के ऑप्शन में आप पूछेंगे, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। एग्जाम इंडिया ही अब हमारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहीं पर आप पूरे ऑनलाइन बैच संचालित होंगे, वहीं पर आपके टेस्ट सीरीज पूरी संचालित होगी। अब देखो टेस्ट सीरीज को लेकर, पहले 2018 में हमने आजाद आईएएस एकेडमी में टेस्ट सीरीज का पैनल, अभी भी जाके आप आजाद आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज का पैनल था। अब जो है हम पूरा टेस्ट सीरीज जो है एग्जाम इंडिया पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहीं पर आपको पूरी टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एक बनाई गई थी, हर संडे को हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रखेंगे, और ये इसकी फीस ₹1 सिर्फ सांकेतिक है, नहीं रखेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब आप आएंगे, जैसे यूपीएससी और आईएएस का एग्जाम आएगा, एक महीने पहले हम 35 सेट का आपको पूरा टेस्ट पेपर देंगे, 35 सेट के टेस्ट पेपर से आपका पूरा का पूरा कार्य होगा। तो कहीं ना कहीं पे आप एक बार थोड़ा सोचिए तो सही, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा, बस मुद्दा है कि आप मेहनती हो, आप काम करने हो। मुझे भी कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता है, आप लोग फोन कॉल करते हैं, जितना संभव पॉसिबल टाइम होता है मैं फोन भी उठाता हूं। कई लोग तो यदि एक बार नहीं फोन उठा पाया, कुछ नहीं हो पाया, संपर्क नहीं कर पाया, तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप लोग क्या बोल देते हो, कभी बैठ के सोचिएगा उन चीजों को। तो कभी कभी लगता है अरे ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अरे क्वेश्चन पूछे जो आपकी समस्या नहीं, बात करना है, अरे व्हाट्सअप है, सब कुछ है, जब आपको पता है तो आप वहां पे पूछिए ना आपकी समस्या है। लेकिन नहीं, अब एग्जाम इंडिया का एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है, गूगल प्ले स्टोर से करिए और जाकर वहां से आप डाउनलोड करके जो आपको पूछना हो पूछिए, और बच्चों पढ़िए, पढ़ने से होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, दोनों की साझा जिम्मेदारी है, केवल मेरे पढ़ा देने से नहीं हो पाएगा, आपको भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी बराबर रिसर्च करके रखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। करंट अब यहाँ पर हम लाइव चालू कर रहे हैं, सब आपको एक दो दिन में पूरी जानकारी दे देंगे, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, मुझे भी पता है कि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो अपनी प्रतिबद्धताओं में मैं आपको सच बता रहा हूँ 100% खरा उतरेंगे और इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप आके कुछ भी, भाई मुझे नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है, मुझे अदर संस्थानों का नहीं पता, जब जो हो रहा है जहाँ पे चल रहा है उनका आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं उतारे, अच्छा नहीं लगता है ऐसा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, और आगे अभी मैं आपको ऑप्शनल का भी दिखा दूंगा, यहाँ तक कि सोशल वर्क ऑप्शनल जो खत्म हो चुका है, कुछ लोग बोलते हैं उसको लेकर के भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसकी क्लासेस पूरी कंप्लीट कराई गई हैं, पूरा भेजा गया है, अमन कुमार जी ने लास्ट में पूरा कंप्लीट कराया है। लेकिन बस मुद्दा यही है कि चीज़ों को समझना नहीं है, बोलने भर में, बोलने में लगता क्या है, बस जबानी तो हिलानी है, जबान हिलाने से क्या होता है, टाइप ही तो करना है, डिमोटिवेट कर दो किसी को, परेशान कर दो किसी को, ये कर दो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ सीखी है आपने अपने जीवन में, है ना। तो चलिए मैं अब आता हूँ आप लोगों से, जो भी होगा मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग का, जैसा कि हमारा सेशन है, पहले उसे करते हैं। तो पेन कागज़ लेकर आप सभी बैठ जाएं,